और आइए अब आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे कोलकाता रेप और मर्डर केस की। ट्रेनी डॉक्टर को इंसाफ दिलाने के लिए पूरे देश में प्रोटेस्ट हो रहा है, सियासत भी हो रही है, पुलिस की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे पर कोलकाता पुलिस को फटकार लगा चुका है, लेकिन इन सब के बीच राक्षस संजय रॉय को लेकर जो नया खुलासा हुआ उसमें जांच अधिकारियों को सन्नाटे में डाल दिया है। न डर, न चेहरे पर शिकन और न किसी तरीके का कोई पछतावा। संजय रॉय के अंदर एक जानवर छिपा था जिसे देखकर सीबीआई अधिकारी भी हैरान रह गए। वारदात की रात वो कैसे दरिंदा बना उसकी करतूतें जानकर जांच अधिकारियों के भी होश उड़ गए हैं। रेप के आरोपी संजय रॉय ने साइको एनालिसिस की टीम ने उनसे पूछताछ की, जो साइको एनालिसिस टीम है, सवाल जवाब किए और इन्हीं सवाल जवाब के दौरान उसके माथे पर कोई शिकन नहीं थी, कोई पछतावा नहीं था। क्राइम सीन पर जो कुछ हुआ उसे बताते समय वो पूरी तरीके से संवेदनहीन नजर आ रहा था। सीबीआई की जांच ने अपराध का जो स्पॉट था, जो क्राइम स्पॉट था, वहां पर आरोपी की मौजूदगी की पुष्टि करती है। संजय रॉय की साइको एनालिटिकल प्रोफाइल से ये पता चलता है कि वो यौन विकृति का शिकार है। कोलकाता रेप एंड मर्डर केस के आरोपी संजय रॉय को शुक्रवार को कोर्ट में पेश किया जाएगा। सीबीआई की साइको एनालिटिकल प्रोफाइल से खुलासा हुआ कि वो सेक्स अडिक्ट है। जांच में इस बात का खुलासा हुआ कि वारदात वाली रात आरोपी संजय रॉय रेड लाइट एरिया पहले पहुंचा। हर एक सवाल का जवाब आरोपी संजय रॉय बेशर्मी के साथ देता रहा, जिसे देखकर सीबीआई अधिकारी भी हैरान नजर आए। इन मुद्दों को लेकर ममता दीदी की पुलिस सवालों के घेरे में लगातार बनी हुई है, जहां पर एक तरफ डॉक्टर बेदी को इंसाफ कब मिलेगा, डॉक्टर बेटी को इंसाफ कब मिलेगा, ये सवाल उठ रहा है, तो वहीं बीजेपी इस मुद्दे पर हमलावर नजर आ रही है। वहां का लोकल पुलिस स्टेशन ऑफिसर्स, जो जो लोग पहले पुलिस ऑफिसर आए थे वो किसके ऊपर निर्देश पर वेट कर रहे थे, एफआईआर करने के लिए कितने देर तक वेट कर रहे थे, क्यों वेट कर रहे थे। माता माता नहीं पहुंचे, शमशान घाट में बच्ची का दाह संस्कार हो गया, ये कौन सा न्याय है? ये इस देश में पहला निदर्शन है कि आप अपने बच्ची का शक्ल देख के, चेहरा देख के बता नहीं सकते हो कि ये उसके ऊपर रेप हुआ है। इतनी बुरी तरह से निशंस तरीके से उसको मारा गया है, आपको पता नहीं चलता है क्या हुआ था, किसने बॉडी पहले देखा। तो ये पूरा पूरी 355 या 356 के तरफ हम लोग जा रहे और हम लोग चाहते हैं हम लोग का सुरक्षा हो, नागरिक पश्चिम बंगाल का सुरक्षा हो, सुरक्षित रहे, इसलिए। और ममता बनर्जी का एक ही दावी, ममता बनर्जी का पदत्याग। वारदात वाली रात ट्रेनी डॉक्टर मर्डर और रेप केस के आरोपी ने शराब पी रखी थी, नशे में धुत था। पहले वो रेड लाइट एरिया गया, सड़क पर एक महिला के साथ अभद्रता की, छेड़छाड़ की, हैवानियत की सारी हदें पार करने वाले इस राक्षस ने उसी रात एक महिला से न्यूड पिक्चर्स की डिमांड की। जैसे जैसे ये जांच आगे बढ़ रही है वैसे वैसे संजय रॉय को लेकर चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। अगर हम सोर्सेस की माने तो उस रात संजय रॉय ने अस्पताल के सेमिनार हॉल में अपराध करने से पहले ऑपरेशन थिएटर में झांक कर देखा। इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने भी सुनवाई की और आज इस मामले की सुनवाई जब हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने आरजी कर हॉस्पिटल की सुरक्षा सीआईएसएफ को सौंप दी। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सख्त लहजे में टिप्पणी की और कोलकाता पुलिस को फटकार लगाई। उधर सीजीआई ने डॉक्टर्स को काम पर लौटने के लिए अपील की, जिसके बाद दिल्ली एम्स के रेसिडेंट डॉक्टर्स ने हड़ताल को खत्म कर दिया है। आरजी कर में जो इंसिडेंट हुआ इतना भयानक इंसिडेंट था और हमारे हेल्थ सिस्टम में जो सेफ्टी और सिक्योरिटी की जो लैप्स थी उसको जग जाहिर कर दिया, इसीलिए हम लोग को मजबूरन हड़ताल पे जाना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट में सुओ मोटो कॉग्निसेंस पे हियरिंग हुई है। आज की दूसरी हियरिंग के बाद हम थोड़े से अश्योर्ड हैं कि जो हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस हैं इंडिया के, वो कॉग्निसेंस ले रहे हैं, इन सब चीज़ों पर संज्ञान ले रहे हैं। डॉक्टर्स की ड्यूटी कितने घंटे की है, क्या क्या परेशानी आ रही है, कितने खतरे हैं, वायलेंस होने का कितना रिस्क है, उन सब पे पहली हियरिंग हुई थी, उससे हम लोग संतुष्ट थे।
सीबीआई ने कोर्ट में कहा है कि क्राइम सीन के साथ छेड़छाड़ हुई है। सीबीआई ने जांच अपने हाथों में लेने से पहले पुलिस ने ये उनको बताया कि रेप पीड़िता के नाखूनों के नीचे मिले हुए खून और स्किन के निशान संजय रॉय के हाथों की चोट से मेल खाते हैं। सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट में कोलकाता पुलिस की लापरवाही का जिक्र नजर आता है और कोर्ट की फटकार के बाद बंगाल में सियासी उबाल है। सड़क पर बीजेपी ने हल्ला बोल रखा है, प्रदर्शन हो रहे हैं और स्वास्थ्य भवन तक का घेराव भी किया गया है। पश्चिम बंगाल भाजपा की ओर से जो हादसा हुआ उसके खिलाफ उसमें जस्टिस दिलाने के लिए और ममता बनर्जी का रेजिग्नेशन के डिमांड को लेकर आज हेल्थ जो हेडक्वार्टर है स्वास्थ्य भवन अभियान चल रहा है। बीजेपी लड़ रहा है, जस्टिस मिलना चाहिए और ममता बनर्जी को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर आप एक रेप मर्डर के साथ किसी उग्रपंथी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा देश के ऊपर अटैक के साथ अगर कंपेयर कर रहे हैं तो आपकी दिमागी हालत ठीक नहीं है और ही शुड गो टू द पीजी हॉस्पिटल एंड कंसल्ट द क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। हमें कहाँ जाना है हमें पता है, हम वहीं जाएंगे। आरजीकर अस्पताल से इकट्ठा किए गए सीसीटीवी फुटेज में संजय रॉय को 8 अगस्त को सुबह 11 बजे के आसपास चेस्ट डिपार्टमेंट के वार्ड के पास देखा गया। उस समय पीड़िता चार दूसरे जूनियर डॉक्टर्स के साथ वार्ड में मौजूद थी। अस्पताल से जाने से पहले रॉय कुछ देर तक उसे देख रहा था। पूछताछ के दौरान रॉय ने इस बात को कबूला भी कि उस शाम से पहले वो वार्ड में था। कोलकाता रेप मर्डर केस के आरोपी संजय रॉय का पॉलीग्राफी टेस्ट कराने की सीबीआई को इजाजत अब मिल चुकी है और जांच एजेंसी ने इसको लेकर कोर्ट में अर्जी दायर की थी। इससे पहले सीबीआई आरोपी का मनोवैज्ञानिक टेस्ट करा चुकी है। अब पॉलीग्राफी टेस्ट से पता चल सकेगा कि आखिर आरोपी कितना झूठ और कितना सच बोल रहा है। संजय रॉय के बाद सीबीआई को संदीप घोष के पॉलीग्राफी टेस्ट की भी मंजूरी अब मिल चुकी है। वैसे आपने पॉलीग्राफी टेस्ट के बारे में कई बार सुना जरूर होगा। रेप मर्डर से लेकर दूसरे कई ऐसे हाई प्रोफाइल केसेस में पॉलीग्राफी टेस्ट करवाए जा चुके हैं, लेकिन इसके साथ साइको एनालिटिकल प्रोफाइल जो कि रेप और मर्डर केस के आरोपी संजय रॉय का भी हुआ वो क्या है? दरअसल साइको एनालिटिकल प्रोफाइल बनाने के लिए डॉक्टर्स का एक पैनल होता है जो कि आरोपी का व्यवहार उसके हाव भाव को भापता है। इस टेस्ट में पेपर और पेंसिल से काम करवाया जाता है, जो लिखा जाता है उसे टेस्ट का रिजल्ट उससे निकाला जाता है। कहा यह जाता है कि टेस्ट अगर अच्छी तरह से हुआ हो तो इससे शख्स के मनोवैज्ञानिक दशा का पता चल सकता है। टेस्ट के आधार पर ही फाइनल रिपोर्ट को तैयार किया जाता है। डॉक्टर धरती के भगवान कहे जाते हैं, वो अपने दायित्व का सही ढंग से पालन कर सके इसके लिए जो समुचित कदम है उठाए जाने चाहिए, उनको सुरक्षा देनी चाहिए। दोषियों को भारत के कानून के हिसाब से कड़ी से कड़ी सजा मिले। मैं इस घटना की तुलना एक विभत्स घटना जो हुई थी इतिहास में निर्भया उससे करता हूँ। आज जिस राज्य में ऐसी निर्दयता के साथ कोई कांड हुआ, चाहे यूपी के मेरठ में चाहे महाराष्ट्र में, अपराधी पकड़े गए और ममता बनर्जी की सरकार ने अपराधियों को संरक्षण दे करके, इसीलिए ममता बनर्जी को शर्म आनी चाहिए, एक महिला होकर के उन्हें इस्तीफा करनी चाहिए। माने सर्वोच्च न्यायालय के जो ऑब्जर्वेशन उस दिन थे जब उसके बाद उन्होंने स्टेटस रिपोर्ट भी मांगी, वो कलकत्ता पे तो है ही लेकिन पूरे देश में महिला सुरक्षा को लेकर के माननीय सर्वोच्च न्यायालय की चिंता है। और मैं समझता हूँ इस चिंता को अलग अलग राज्य की सरकारें और केंद्र की सरकार, सियासत एक तरफ है लेकिन देश ये चाहता है कि कोलकाता कांड के राक्षस को ऐसी सजा मिले जो कि एक नजीर बने और सख्त कानून बने जिससे दरिंदों में एक डर पैदा हो सके।